24/7 इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां गंदगी से होकर जाने को मजबूर है ग्रामीण। यह खबर यूपी के चंदौली जिले से, जहां विकास खंड बरानी के ग्राम सभा बनसिंहपुर के राजस्व ग्राम रनिया में बनी मुख्य मार्ग लगभग 3 वर्षों से खराब है। मुख्य मार्ग में बनी नाली लगभग ध्वस्त हो चुकी है और नाली खुला होने के कारण गंदा और दुर्गंध युक्त पानी प्रायः मार्ग के ऊपर से बहता रहता है तथा गंदे पानी दुर्गंध के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों में संक्रमण रोग का फैलने का डर हमेशा बना रहता है। सफाई कर्मी तो इस गांव में जरूर नियुक्त है, लेकिन उसका गांव की सफाई से कोई मतलब नहीं। अगर सफाई कर्मी का सफाई से जरा भी लगा होता तो गांव का मुख्य मार्ग में बनी नाली जाम नहीं होती। इस मार्ग के मुख्य मार्ग से बने गड्ढे में गिरकर प्रायः लोग चोटिल हो जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सफाई कर्मी अपने जगह पर किसी गाँव के वनवासी को अपने स्थान पर रखकर गाँव की सफाई कर, जिस पर प्रधान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रधान ने बताया हमारे संवाददाता से कि ऐसी आप जी विकासखंड बरानी के किसी भी गांव को देख लीजिए और रनिया गांव को देख लीजिए, आपको उससे ज्यादा ही बेहतर इस गांव को आप पाएंगे। यहां कोई भी ऐसी बातें नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो आदतन हमारी शिकायत करता है और हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। देखिए हमारे खास है। ग्राम पंचायत तो बनसिंहपुर में आए हुए हैं, यहाँ के नाराज ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जी ने इस रास्ते का नाम क्या रखा है सर? विश्व सुंदरी मार्ग रखा है, जो कि ये बनसिंहपुर गांव से कहाँ मिला था सर? रनिया। कहाँ सर? रनिया। आप देख सकते हैं कि ये किसी और के व्यक्तिगत खेत में पानी जा रहा है, आप देख सकते हैं सर, सही से वीडियो बनाइए सर, देख सकते हैं। और इसका पानी आइए आगे, सब देख सकते हैं कि नालियों का पानी किसी और के रास्ते में मतलब खेत में जा रहा है। और एक पत्रक मेरे यहाँ पड़ा हुआ है गाँव वालों का, उसको मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इसमें है सबको मुहैया कराया जाता है और मेरे गांव में कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि नालियों की स्थिति क्या है। प्रधान जी ने और आगे कहते हुए कहा कि हमारे गाँव की स्थिति बहुत ही अच्छी है, आप जा करके ग्रामीणों से पता कर सकते हैं। जबकि यहाँ आने पर ग्रामीणों ने दिखाया है, आरोप नहीं है, ग्रामीणों ने दिखाया और आप देख सकते हैं कि जो गांव का मुख्य मार्ग है उसकी स्थिति क्या है। क्या आप इस मार्ग पे चल सकते हैं सर? क्या गांव का मुख्य मार्ग है? आप धीना माइनर तक जा सकते हैं, बनसिंहपुर ग्राम पंचायत से धीना माइनर तक जा सकते हैं। देखिए अब मैं आपको और कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि सर ने बताया था कि हमने पत्रक दिया था, देखिए एक पत्रक मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ करके सुना देना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी विकासखंड बरहनी जिला चंदौली, महोदय आपको अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 253 दिनांक 29/6/2019 के क्रम में ग्राम पंचायत बनसिंहपुर के राजस्व ग्राम रनिया मुख्य मार्ग में सूरज पांडे के घर से केदारनाथ तिवारी के खेत तक नाली खड़ंजा क्षतिग्रस्त है, जिसका शिकायत किया गया है। तदक्रम में अवगत कराना है कि उक्त कार्य का प्रकलन तैयार कर लिया गया है, बरसात होने के कारण कार्य स्थल पर निर्माण कार्य सामग्री पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवा लिया जाएगा। जल जमाव को देखते हुए इस समय नाली खड़ंजा की साफ सफाई करा दी गई है, आख्या सेवा में प्रेषित है। देखिए यह दिनांक 10/7/2019 का। अभी एक पत्रक मेरे यहाँ और पड़ा हुआ है सर, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि उस पत्रक में पता है, लोगों ने बताया है कि किसको किसको अब तक अवगत कराए हैं इस नालियों को लेकर। पूरा मामला क्या है सर? ये 3 साल से नाली यही तरह पड़ी हुई है, गंदगी होती है, मस्ता है, लोग आते जाते रहते हैं, बरसात में तो और पूरा गंदगी हो जाता है। इस पर प्रधान जी से बात हुआ है, प्रधान जी ने क्या?